दिल्ली पंजाब के बाद दूसरे राज्यों में कदम बढ़ा रही आप। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेताओं को खोज रही पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब फतह के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी ने अब राजस्थान छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के द्वारका से विधायक विनय मिश्रा को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। विनय मिश्रा ने काम संभालते ही प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक सभी कार्यकारिणियों को भंग करने की घोषणा की है। अब नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसी के साथ पार्टी ने डिजिटल मेंबरशिप अभियान भी शुरू किया है। आपका फोकस अभी उन क्षेत्रों पर है जहां लोग कांग्रेस भाजपा दोनों से नाराज हैं। वहां अभी से खास रणनीति के साथ फोकस किया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने अब नेशनल प्लान तैयार कर लिया है। आपने 9 राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आपका फोकस छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों पर है जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में पार्टी का कामकाज देख रहे आप पार्टी के नेताओं का अमर उजाला से कहा कि प्रदेश में कल ही चुनाव होने वाले हैं। इस सोच के साथ राजस्थान में आप कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। पंजाब में पार्टी की जीत के बाद राजस्थान में कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए 3 महीने का विशेष सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। निगरानी के लिए जिला स्तर पर प्रभारी होंगे। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाएंगे। सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान आंदोलन के दौरान लाठी भी खानी पड़ेगी तो वे पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब की सफलता के बाद पार्टी ने राजस्थान को लेकर रणनीति में बदलाव किया है। इसके तहत जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है उन पर पहले से ही उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आपके पास राजस्थान में अब तक स्थानीय दमदार सियासी चेहरा नहीं है। अब पार्टी मल्टी फेस मॉडल पर काम करते हुए जनाधार वाले नेताओं को जोड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस और बीजेपी के साफ छवि वाले और जनाधार वाले नाराज नेताओं को आपसे जोड़ने की रणनीति पर काम चल रहा है। चुनावी साल से पहले कई नेताओं को आपसे जोड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह और नए चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने हाल ही में जयपुर में हुए पार्टी के सम्मेलन में स्थानीय नेताओं को आगे का टास्क भी सौंप दिया है। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाने को कहा गया है।